सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। सो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आए हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हमने बस पकड़ी लगभग 6 बजे और हमको 1 से 1.5 घंटे में 7:30 बजे यहाँ पे हमको मऊ पहुँचा दी है। तो आजमगढ़ बस स्टॉप से हमने बस पकड़ी थी और जो मऊ का जो बस स्टॉप है वो इधर पीछे की साइड, वहाँ से रेलवे स्टेशन आने पर लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा पैदल आपको। आप देख सकते हैं हम लोग इधर से आए हैं, इधर जो है बस स्टैंड है मऊ का, यहाँ से 2 से 3 मिनट पैदल लगेगा यहाँ पे आने के लिए। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, चलिए देखते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा रेलवे स्टेशन है मऊ का। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अंदर लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक वगैरह है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। असल में गाइस सीन ये है कि जो आजमगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है, हम लोग जा रहे हैं पहली बार गोदान एक्सप्रेस से। गोदान एक्सप्रेस आजमगढ़ में आती थी लेकिन अब नहीं आती है, कुछ पटरी वगैरह का कुछ इशू हो गया है तो इसकी वजह से अब आजमगढ़ में नहीं आती 1-2 हफ्ते से। अब पटरी वगैरह बन जाएगी तो उसके बाद आएगी, तो इसलिए हम लोग का टिकट जो हुआ मऊ जंक्शन से हुआ है। तो हम लोग को आना पड़ा मऊ सुबह सुबह। तो यहाँ पर 9:05 की ट्रेन है, तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है मऊ का रेलवे स्टेशन और हम थोड़ा बहुत आपको डिटेल दे देंगे ताकि आप अपना आराम से आइए आजमगढ़ से या कहीं से भी और आराम से जाइए। ये आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है मऊ का। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि आजमगढ़ तो ट्रेन जाने से रही है, आजमगढ़ और काफ़ी जगह से, यहाँ मऊ से और उधर कहीं जंगई जंक्शन है उसके बीच में से ट्रेन जो है डाइवर्ट है, तो इसके लिए उधर नहीं जा पा रही है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। सो गाइस मुझे जाना नहीं है लेकिन मेरा एक दोस्त है, मैं उसको ही छोड़ने आया था बस से। 6 बजे वहाँ से आजमगढ़ से बस पकड़ा था सुबह में, 7:30 बजे बस हमको यहाँ पर छोड़ देते। सो गाइस यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको कहीं जाना रहेगा इधर पास में तो यहाँ से टिकट मिल जाएगा, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। ये यहाँ पे पूछताछ करने के लिए है। चलिए अब हम गाइस अंदर चलते हैं, यहाँ पे टाइम वगैरह दिखा रहा है ये गेट अंदर जाने का। सो ये कोई ट्रेन जा रही है, आप अंदर देख सकते हैं अंदर कैसा है। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी जो ट्रेन वो गोदान एक्सप्रेस 11056 है, तो वो आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। हाँ देख सकते हैं अंदर का रेलवे स्टेशन कैसा, ये कोई ट्रेन आई है खड़ी है तो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3 का, प्लेटफॉर्म नंबर 3 अपना उधर है तो अपने उधर जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शौचालय है, उस साइड महिला है, इस साइड पुरुष। महिला का गेट इधर से है, मैं आपको पुरुष का गेट दिखाने रहा हूँ, इधर से है यहाँ। सो अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है गाइस। ये आप देखिए अंदर कितनी काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ से देखिए अंदर गेट पे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। ये मुझे लग रहा है सागंज वगैरह होके जाएगी, पता नहीं। जब मऊ जंक्शन में आएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर, उधर से तो आप इंटर किए हैं लेकिन आपको बाहर जाना रहेगा तो इधर पे एक और गेट है, यहाँ से आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं।